इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में चलने वाली ट्रेनों में अक्सर ट्रेन के स्लीपर कोच में किसी बोनाफाइड पैसेंजर की सीट या बर्थ पर कब्जा जमाना नई बात नहीं है। लोकप्रिय ट्रेनों तथा दिन में चलने वाली ट्रेनों में ऐसा अक्सर दिखता है। पहले तो ऐसा वाक्या सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास में ही दिखता था, अब तो थर्ड एसी और सेकंड एसी क्लास में भी ढेरों अथराइज्ड पैसेंजर बैठे दिख जाते हैं। ऐसे में वे यात्री किंकर त्यविमूर हो जाते हैं जिन्होंने महीने पहले रिजर्वेशन लिया है। अब आपको बताते हैं जितेंद्र के साथ क्या हुआ था। जितेंद्र को उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिहार के बरौनी तक जाना था। वैशाली एक्सप्रेस में उनके साथ पत्नी और बच्चे का कुल 3 बर्थ का रिजर्वेशन था। जब वह आधी रात के बाद 2:30 बजे कानपुर में ट्रेन में सवार हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी बर्थ पर कोई और पैसेंजर सोया हुआ था। जब जितेंद्र अपने बर्थ को खाली करने को कहा तो अवैध कब्जा करने वाले यात्री ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस व्यक्ति का कहना था कि टीटीई ने उन्हें यह बर्थ दिया है। जब जितेंद्र ने उससे टिकट दिखाने को कहा तो उनमें से एक यात्री ने जनरल या सेकंड क्लास का टिकट दिखाया जबकि दूसरे यात्री ने प्लेटफॉर्म टिकट। उस यात्री का कहना था कि टीटीई ने उससे जुर्माना भी लिया है। जितेंद्र के साथ पूरा परिवार था तो उन्होंने बर्थ पर सोए यात्री से बैठने की जगह देने की गुजारिश की, लेकिन अवैध कब्जा जमाए व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। जितेंद्र रात में टीटीई की खोज में इधर उधर घूमे पर वह भी नहीं दिखा। ऐसे में उन्हें स्लीपर डिब्बे के जमीन पर चादर बिछाकर पत्नी बच्चों को बिठाना पड़ा। जहां उनकी बर्थ थी उस बर्थ के नीचे पूरा सामान अथराइज्ड पैसेंजर ने भर रखा था। वहां जितेंद्र को सामान भी नहीं रखने दिया गया। जितेंद्र की अथराइज्ड पैसेंजर से हुई कहासुनी में आसपास के यात्री भी जग गए। ऐसे में एक सहयात्री जितेंद्र की मदद को सामने आए। उसने जितेंद्र के मोबाइल फोन में रेल मदद ऐप डाउनलोड किया, फिर उसी ऐप पर पीएनआर नंबर देते हुए 2 कम्प्लेन फाइल की गई। एक कम्प्लेन रेलवे के आरपीएफ डिपार्टमेंट के पास की गई, दूसरी कम्प्लेन रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड को की गई। रेलवे मिनिस्ट्री के पास की गई कम्प्लेन में बताया गया कि कानपुर में यात्री के चढ़ने के बाद टीटी नहीं दिखा है। जितेंद्र को रेल मदद पर कम्प्लेन किए हुए 15 मिनट भी नहीं बीता था कि 2-3 टीटी धड़धड़ाते हुए डिब्बे में आए। उसके बाद उस अथराइज्ड पैसेंजर से बर्थ खाली करवाया गया। उन 3 बर्थ पर जितेंद्र को कब्जा दिलवाया गया। इसके बाद टीटी टीम के इंचार्ज ने जितेंद्र से कम्प्लेन रिजॉल्व हो जाने का ऐप पर रिपोर्ट देने का भी रिक्वेस्ट किया। यही नहीं टीटी ने अपना फोन नंबर भी दिया कि आगे कोई दिक्कत होने पर इस पर कॉल कर ले। कुछ ही देर में वैशाली एक्सप्रेस लखनऊ के ऐश बाग पहुंच गई। ट्रेन के वहां पहुंचते ही रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की एक पूरी टीम उस डिब्बे में आई। आरपीएफ के अधिकारी ने जितेंद्र का बयान लिया। जब उसे पूरी बात की जानकारी मिली तो आरपीएफ ने बोनाफाइड पैसेंजर को बर्थ नहीं सौंपने, सही यात्री को परेशान करने, सहयात्रियों को आधी रात में डिस्टर्ब करने, अनऑथराइज्ड तरीके से रिजर्व कोच में यात्रा करने आदि जुर्म में अवैध यात्री को ट्रेन से उतार लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करें? रेलवे के अधिकारी का कहना है कि किसी भी यात्री के रिजर्व सीट या बर्थ पर कोई अवैध कब्जा कर ले तो सबसे पहले उस ट्रेन के टीटीई तक बात पहुंचानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस ट्रेन के मैनेजर से बात करनी चाहिए। यदि ट्रेन मैनेजर से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो रेल मदद वेबसाइट या रेल मदद ऐप पर कम्प्लेन दर्ज करें। आप चाहे तो 139 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।